हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरिहंत। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो नवंबर 19 का एग्ज़ाम लिख रहे हैं अभी सीए का, या फिर आगे भी आने वाले सीए एग्ज़ाम्स लिखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को कुछ रियलाइज़ करवाने के लिए। चाहे आप इंटर में हो, फाइनल में हो, फाउंडेशन में हो, दिस वीडियो इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज़ 5 मिनट सुन लीजिएगा। अगर आपको इसके बाद कुछ रियलाइजेशन होता है, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर श्योर। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि कल जो ऑडिटिंग का एग्ज़ाम हुआ था सीए इंटरमीडिएट का, उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लिखने लगे कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, आउट ऑफ सिलेबस से आ गया, कहाँ से आ गया, इंस्टीट्यूट से तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इंस्टीट्यूट हमारी लगा रहा है एक्स वाई जेड। फिर मैंने पेपर मंगाया, मैंने पेपर देखा, आई एग्री कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था, आई एग्री कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, बट ब्लेमिंग इंस्टीट्यूट कि आपने ये ट्रिकी क्वेश्चंस क्यों दे दिया इज़ एक्सट्रीमली अनजस्ट, एक्सट्रीमली इनकरेक्ट। एंड फिर ये एसोसिएट करना कि क्योंकि हमने प्रोटेस्ट किया आप ICAI लगा रहे हैं, नो, दिस इज़ वॉट ICAI हैज़ डन, इट शुड हैव डन थ्रू आउट, कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देना चाहिए था फर्स्ट डे से। जिस दिन मैंने अपना ये सी ए चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों, मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री क्लासेस डाले हुए हैं मैंने ऑडिटिंग के, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, FM के, इकोनॉमिक्स के, आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हुए, बट फ्री क्लासेस तो क्लासेस किसको पढ़नी है, एक घंटा डेढ़ घंटा किसको देखना है वीडियो। आप लोगों को चाहिए फटाफट चार्ट से पढ़ लें, फटाफट फ्लो चार्ट से पढ़ लें, या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ लें एंड आपको लग रहा है कि सीए एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नो, दिस इज़ द रियल सीए एग्ज़ाम जो आपको कल आया है। एंड ट्रस्ट मी, मेरी पिछली वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स देख लीजिए, जितने स्टूडेंट्स ने क्लासेस फॉलो की हैं कॉन्सेप्चुअली, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरे क्लासेस, किसी भी टीचर के क्लासेस जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं अगर आपने फॉलो किया होता तो यू वुड हैव रिटन योर पेपर डिसेंट। मतलब थोड़े स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं 60+ आएगा सर हमें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता था, एंड इफ़ यू न्यू द कॉन्सेप्ट ट्रस्ट मी द पेपर वॉज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। अगेन, अभी लोग क्या गलती कर रहे हैं, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर फिर से स्टूडेंट्स चालू हो गए कि सर EIS का चार्ट्स है क्या, इस सर के, उस सर के, SM के चार्ट्स हैं क्या। भाई, चार्ट से पढ़ के अगर आप पास हो जाओगे ना तो फिर कोई भी CA बन जाएगा। वेयर इज़ द कॉन्सेप्ट, प्लीज़ 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 स्टडी कॉन्सेप्चुअली। फ्री स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लासेज हैं यार मेरे वीडियो, मेरे चैनल पर, वाई आरंट यू यूजिंग देम, प्लीज़ वॉच देम। स्पेशली जो स्टूडेंट्स मई 2020 में लिख रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर दो। आई सी स्टूडेंट्स 4 महीने 5 महीने एग्जाम के पहले से ही डिपेंडेंट हो जाते हैं चार्ट्स पे, कि शॉर्टकट में हम पढ़ लेंगे एंड छोटा छोटा पढ़ के हम एग्ज़ाम लिख देंगे, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद आप फिर यही रोते हुए आओगे कि इंस्टीट्यूट ने पेपर डिफिकल्ट दे दिए। नो, इंस्टीट्यूट इज़ गिविंग यू द पेपर। आपने MCQs मांगे थे, MCQs दे रही है, अभी क्या ईजी वन लाइनर्स देगी, जी नहीं। आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करना है, ओनली द बेस्ट विल बिकम अ CA, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लीज़ टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। अगर अभी तक भी आप नहीं जागे हो तो अब जाग जाओ, कल आपका SM का एग्ज़ाम है, बाकी 2 एग्ज़ाम और बचे हैं इंटर वालों के लिए, फाइनल वालों के लिए। प्लीज़ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आप जो रिवाइज़ भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप 100% पेपर को वापस रिवाइज़ कर लो। अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है अभी तक, प्लीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि 100% रिवीजन के चक्कर में आप सिर्फ एक 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 बुलेट पॉइंट पढ़ के चले गए। बुलेट पॉइंट से किसी का कुछ मदद नहीं होने वाला। हो सकता है SM का पेपर ईजी आए या डिफ़िकल्ट आए, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ के रखे हो तो ट्रस्ट मी सब इजी होगा। इंस्टीट्यूट को कोसने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर INDAS से भी पूछ रहा है इंस्टीट्यूट ऑडिट के पेपर में, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, देर इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस व्हिच हैव ऑलवेज बीन आस्क्ड इन ऑडिटिंग पेपर, आई रिमेंबर ड्यूरिंग माय टाइम। मोर ओवर, मेरे हिसाब से अगर लॉ का भी क्वेश्चन पूछता है ऑडिटिंग में, इट इज़ जस्टिफाइड फॉर श्योर, बिकॉज ऑडिटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो ऑडिट कोर हो, अकाउंटिंग हो, लॉ हो, टैक्स हो, IT हो, SM हो, बिकॉज दैट इज़ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। व्हेन यू आर ऑडिटिंग, सिर्फ आपको मटेरियलिटी नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको ऑडिट पेपर नहीं बनाना है, आपको एक्चुअल ऑडिट करना है अकाउंट्स का, आपको ऑडिट करना है टैक्स का, लॉ को मद्देनजर रखते हुए। सो प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग द इंस्टीट्यूट, प्लीज़ स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, क्योंकि आपकी पढ़ाई अप टू द मार्क नहीं थी। एंड मुझे कोई झिझक नहीं है ये बोलने में कि भाई साहब द प्रॉब्लम इज़ विथ यू एंड नॉट विथ एनीबडी एल्स। अभी भी रियलाइज़ हुआ है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर जो अगर आप मई 2020 में अटैम्प्ट करोगे, या जब भी आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करोगे, इंटर का नहीं, फाइनल का, फाउंडेशन का नहीं, इंटर का, प्लीज़ कीप इन माइंड कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। दोस्तों, मालूम है मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लगेगी मेरी, बट आई एम सॉरी, दिस इज़ द ट्रूथ। जो लोग समझ गए वो आगे निकलेंगे, जो लोग नहीं समझे वो इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, एज सिंपल एज दैट।
लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा आपको क्योंकि थोड़ा सीरियस सा वीडियो है, बट अगर मन हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा लेकिन कि आप क्या सोचते हैं, क्या मैं कुछ सेंस बना रहा हूँ। एंड अगर आपको लगता है मैं सेंस बना रहा हूँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा उनको भी, जो लोग कॉन्सेप्ट से नहीं जाते उनको भी बोलिएगा कि यार कोई अगर फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ लो, या फिर अगर मेरी क्लासेस आपको रिफ़र नहीं भी करनी है ऐसे टीचर के पास जाओ जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपको इन एंड आउट पढ़ा रहे हों विथ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ बुडापेस्ट में, हंगरी की राजधानी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड वेदर काफ़ी ठंडा, काफ़ी कड़ाकेदार, बारिश हो रही है हल्की हल्की। एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू, आई एम हियर बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड मतलब आपको भी आना है तो सीए जल्दी जल्दी बनो, मोटिवेशन है मेरे लिए, था आप लोगों के लिए, आई एम श्योर काफ़ी लोगों के लिए रहेगा ये मोटिवेशन। गेट मोटिवेटेड, डू योर स्टडीज़ प्रॉपरली, यू विल श्योरली क्लियर योर एग्जामिनेशंस। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, जो पेपर चला गया उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो आने वाले हैं उनके बारे में सोचो और उनकी अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।